हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, या यूं कहें व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी क्लासिफिकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यानी कि डेटा स्ट्रक्चर का आज हम कैटेगराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम ये जानेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या सेक्शंस कवर अप करने होते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये है हमारा आज का टॉपिक। और अगर आप जो है इसके नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक आप यूज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हर वीडियो की जो कह सकते हैं आपको जो नोट्स है वो वीडियो वाइज नोट्स, ये नहीं कि पूरा नहीं, वीडियो वाइज नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक पेज, दो दो पेज जो भी मैं इलैबोरेट करूंगा वो सारा आपको लिंक में एज अ डिस्क्रिप्शन मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डेटा स्ट्रक्चर का कैटेगराइजेशन, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम जान चुके हैं कि ये एक एफिशिएंट वे है किस लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को क्यों एफिशिएंट बनाने के लिए, डेटा कैसे एफिशिएंटली वर्क करेगा, कैसे हम डेटा को एफिशिएंटली यूज करेंगे, उसके लिए जो चीज हम यूज करते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर को अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें, ध्यान से समझिएगा इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा तो एक तरह से आपने सिलेबस भी समझ लिया कि डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली इट हैज बीन कैटेगराइज इनटू टू सेक्शंस। फर्स्ट वन इज व्हाट, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी सबसे पहले कैटेगराइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वी टेल इट एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो दूसरा कैटेगराइजेशन है उसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी सबसे पहला हो गया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा क्या हो गया, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब जो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, व्हाट इट परफॉर्म्स, ये क्या करता है। तो जो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसका डेफिनेशन हम कहें तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो डेटा को सीक्वेंसली स्टोर करके रखता है। तो इसका डेफिनेशन पहले देख लें कि लीनियर क्या होता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी जो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, मैं डीएस लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टोर द डेटा सीक्वेंसली, डेटा सीक्वेंसली यानी कि डेटा को ये क्या करता है, सीक्वेंसली स्टोर करता है, दैट इज वन बाय वन, वन बाय वन, अटैच्ड विद ईच अदर। और डेटा जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, अटैच्ड भी होता है। लीनियर का मतलब जैसे एरे का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। अब इस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा कैटेगराइजेशन होगा वो होगा एरे, ठीक है। तो एरे तो आप एटलीस्ट जानते होंगे क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो आप सी पढ़ के आए होंगे। तो सी में एरे होता है, एरे में एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, एलिमेंट्स आर स्टोर लाइक दिस, 5, 10, 15, 20, ठीक है, और 0, 1, 2, 3, यानी एक सीक्वेंस में डेटा स्टोर होता है। हर एक डेटा अपने नेक्स्ट वाले से, अपने नेक्स्ट वाले से, अगर ये है तो अपने प्रीवियस वाले से जुड़ा होता है। तो दैट इज डेटा जो है वो सीक्वेंसली क्या होता है, स्टोर होता है वन बाई वन, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक। इसका उल्टा डेफिनेशन आप क्या लिख देंगे, नॉन लीनियर में लिख सकते हैं कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डू नॉट स्टोर, यानी कि स्ट्रक्चर डू लर्न लीनियर डेटा स्ट्रक्चर STRUCTURE डू नॉट स्टोर यानी स्टोर नहीं करता है, डू नॉट स्टोर डेटा इन सिक्वेंशियल मैनर, यानी कि ये सिक्वेंशियल मैनर में डेटा को स्टोर नहीं करता है, ठीक है, बट इन हायरार्की, यानी कैसे, हायरार्की में स्टोर करता है, ठीक है, हायरार्की में स्टोर करता है डेटा को। जैसे इसमें हम आगे पढ़ेंगे ट्री, इस तरीके का जो शेप होता है, दिस इज कॉल्ड ट्री। तो क्या ये, क्या आपको लगता है कि हाँ ये जो है वो क्या एक सीक्वेंस में है, सीक्वेंस तो है बट हायरार्की है ना, ये भी एक हायरार्की है, ये फर्स्ट लेवल हायरार्की है, सेकंड लेवल हायरार्की है, थर्ड लेवल हायरार्की। तो इस तरीके से जब डेटा का अरेंजमेंट होता है तो वो कहलाता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और जब सीक्वेंसली होता है तो वो क्या कहलाता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, उसका हमने आपको डेफिनेशन बता दिया। अब इसके बाद क्या आता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैज बीन फर्दर कैटेगराइज, आगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कैटेगराइज है, ठीक है, वो कैसे कैटेगराइज है तो वो देखिए। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को दो तरीके से बांटा गया है, दो तरीके में, ठीक है, एक होता है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज द फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन इज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, यानी इसकी कैटेगराइजेशन अगर हम करें तो सबसे पहला जो हमें मिलता है वो मिलता है स्टैटिक, और दूसरा मिलता है क्या, डायनामिक, यानी स्टैटिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और डायनामिक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक और डायनामिक ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं।
स्टैटिक क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक। तो स्टैटिक का मतलब होता है जब साइज हमारा फिक्स होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने एरिया कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। बेसिकली मैं इसको आगे भी कैटेगराइज कर देता हूं, सबसे इसमें जो हम पढ़ेंगे सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे, ठीक है। और डायनेमिक में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक, ठीक है। और तीसरा पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, क्यू। ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे। अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसमें बस हमें दो चीजें ही पढ़नी है, हालांकि आगे चीजें इंक्लूड होती चली जाएंगी, बट एज ऑफ नाउ हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्री के बारे में, ठीक है। और फिर इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे आगे, हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक पहला ट्री और दूसरा क्या, ग्राफ के कॉन्सेप्ट। ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। आते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, जब साइज फिक्स होता है, यानी कि हमने जो डेटा को स्टोर करना है, हमने डेटा को स्टोर करने की साइज को फिक्स कर रखा है, 10 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, 50 एलिमेंट, तो दैट इज कॉल्ड स्टैक। यानी व्हेन साइज इज फिक्स्ड, आप कह सकते हो व्हेन द साइज ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड, यानी ये क्या है, जब साइज ऑफ एलिमेंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। और डायनामिक का मतलब क्या होता है, साइज इज नॉट फिक्स्ड, यानी साइज जो फिक्स नहीं होता है, साइज इज नॉट फिक्स्ड, इंस्टीड, जबकि हम क्या करते हैं यहां पे, इंस्टीड इट इज टेकन ड्यूरिंग रन टाइम, टेकन या डिसाइडेड ड्यूरिंग रन टाइम, यानी कि रन टाइम, यानी प्रोग्राम रन कर रहा हो, जब प्रोग्राम क्या कर रहा हो, रन कर रहा हो, उस समय हम देखेंगे कि हमें कितना डेटा स्टोर करने का जरूरत है। इवन हम डेटा को बढ़ा सकते हैं, मतलब मुझे ज्यादा डेटा स्टोर करना है तो तुम डेटा ज्यादा स्टोर कर सकते हो, डेटा को कम स्टोर करना है तो हम साइज को घटा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी मर्जी से जितना डेटा चाहें उतना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि यहां पे हमारे पास था कि पहले से, जैसे एरे का कॉन्सेप्ट लीजिए, आप जब 10 एलिमेंट्स ले लेते थे तो 10 ही एलिमेंट्स मैक्स टू मैक्स आप एंट्री कर सकते थे, अगर 12 चाहिए था तो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, जबकि डायनेमिक के साथ ऐसा कुछ नहीं है, 10 चाहिए 10 कीजिए, 15 चाहिए 15 कीजिए। ये कब डिसाइड कीजिएगा, जब प्रोग्राम रन कर रहा हो उसी समय आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितने एलिमेंट चाहिए, बाद में आपको लगे बढ़ाना है घटाना है, मतलब इट विल फैसिलिटेट यू कि आप डेटा का इंसर्शन कंप्लीटली अपनी मर्जी से कीजिए, दैट इज डायनेमिक। एरे, इस शख्स से आप काफी वाकिफ होंगे, एरे क्या होता है, तो इट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, है ना। एरे क्या होता है, तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है। यानी ये क्या होता है, सिमिलर यानी एक जैसे, सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा यानी एक जैसे डेटा का ये क्या होता है, कलेक्शन होता है। और इसके बारे में ही हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, एरे के बारे एरे से ही शुरू करेंगे। सी में क्या हुआ था, सी में जो है वो एरे जो है वो हमने जिस लेवल तक पढ़ा था उसका छोटा सा रिकैप देके अब हम एरे में और भी अच्छे स्टैंडर्ड यानी इससे नेक्स्ट स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स को एरे में, जो कि मतलब बहुत ही लॉजिकली माइंड ब्लोइंग टाइप के प्रोग्राम होंगे, उनको हम करेंगे। तो एरे एक लेवल तक तो हमने सी में पढ़ा ही था, जो लेवल वहां पढ़ के छोड़ दिया था उससे अगला लेवल हम कहां पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के एरे में पढ़ेंगे। इसी एरे के अंदर आगे चल के हमको सर्चिंग और सॉर्टिंग भी मिलेगा, यानी कि डेटा को सर्च करना और सॉर्ट करना, तो वो भी हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है लिंक्ड लिस्ट। देखिए, हो सकता है कि अभी मैं आपको समझाऊं तो लिंक्ड लिस्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ एग्जांपल से आपको समझाऊं तो एग्जांपल इसका सबसे अच्छा दे सकता हूं मैं, जो ट्रेन हमारी होती है, ट्रेन ना, रेलवे, रेलवे की जो हमारी ट्रेन होती है उसमें देखते हैं एक डिब्बे हर दूसरे डिब्बे से अटैच्ड होता है, एक डिब्बा हर दूसरे डिब्बे से अटैच्ड होता है। तो दिस कॉन्सेप्ट कि जब एक डिब्बा इससे कनेक्टेड है तो ये भी तो इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड, ये भी इससे कनेक्टेड है, मतलब हर एक डिब्बा एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है ना, ट्रेन का हर डिब्बा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और ठीक इसी पैटर्न पे लिंक्ड लिस्ट काम करता है, ठीक इसी पैटर्न पे कौन काम करता है, लिंक्ड लिस्ट। हम सब डिटेल में पढ़ेंगे सारे के सारे, एक से एक अच्छे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट से आप डेटा स्ट्रक्चर जानते ही हो। और दूसरा क्या है, अब लिंक लिस्ट जब हम पढ़ लेंगे तो लिंक लिस्ट के बेस पे ही हम स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे, और हम चाहे तो एरे के बेस पे भी स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मतलब स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे एरे के बेस पे भी, लिंक लिस्ट के बेस पे भी, वैसे ही क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे लिंक लिस्ट के बेस पे भी और स्टैक के बेस पे भी। तो जब स्टैक और क्यू को हम एरे के बेस पे इंप्लीमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा स्टैटिक एरे, स्टैटिक स्टैक या स्टैटिक क्यू। जब हम स्टैक को या क्यू को जो है वो डायनेमिकली करेंगे, यानी कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करेंगे, यानी लिंक्ड लिस्ट का यूज करेंगे, तो इट विल बी कॉल्ड डायनेमिक स्टैक, डायनेमिक क्यू, ठीक है। अब आते हैं इन दोनों के बारे में, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ट्री और ग्राफ,
ये दोनों कितने छोटे से दो टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे ट्री, छोटा सा ग्राफ, छोटा सा, ये है आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। मतलब पूरे के पूरे कह सकते हैं कि आपने ये जो पढ़ा इससे तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल काफी डेवलप हो जाएगी, लेकिन ट्री और ग्राफ से आप जीनियस बनेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्री, ग्राफ, हैश टेबल्स, हैशिंग, हैशिंग टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में यही फंसाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से मान लीजिए कि ये आप 50% है, तो ये दो टॉपिक अकेले 50% कवर अप करता है। आपको डेटा स्टेक हो, सिंपल सी एक बात यह है, डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, आप अपनी कंपनी मतलब कोई भी कंपनी आपको ऐसे ही ले जाएगी उठा के, ठीक है, और बहुत अच्छे पैकेज के साथ, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। इसको मास्टर करना देखो आसान तो नहीं होता है, मैं नहीं कहूंगा कि आसान है, डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डिफिकल्टी के बहुत नजदीक है ये, ठीक है, लेकिन आप अगर सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करोगे तो इट विल ऑल्सो बिकम वेरी इजी। तो ये था डेटा स्ट्रक्चर का कैटेगराइजेशन, और एक तरह से हमारा ये सिलेबस भी है, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, देखो मेरा हर एक अगला वीडियो पिछले वीडियो से एसोसिएटेड होता है, और मैं ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो की लिंक दे देता हूं, ताकि आप शुरू से प्रॉपर पढ़ेंगे ना वन बाय वन, तो फिर आपको समझ में हर चीज आएगी। अब आप बीच में से कोई एक वीडियो देखोगे कहोगे आप समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि जो मेरी वीडियोस है वो सारी सिस्टमेटिक है, वन बाय वन आप शुरू से देखते हुए आओ, पहली वीडियो दूसरी वीडियो पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करो, नहीं समझ में आया तो कहना कि सर समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं मुझे पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल एक चीज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और इसके बाद अगली वीडियो देखिएगा तो आपको पता है कि सर ने जो है वो डेटा स्ट्रक्चर वाला कौन से बता दिया है, उन्होंने ये भी बता दिया था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, उसके अंदर लीनियर के अंदर पहला क्या है हमारा एरे, तो अब हमारा क्या कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, एरे हम पढ़ना क्या करेंगे शुरू करेंगे। ठीक है, जब एरे खत्म हो जाएगा फिर लिंक्ड लिस्ट। तो अगर आप मेरे प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हैं तो आराम से आप सब कुछ समझ सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपने एरे के कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे जो हमने सी में पढ़ा था, और उसके बाद हम और एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे कि दिस, बिकॉज दिस डेटा स्ट्रक्चर इज ओनली एंड ओनली अबाउट ब्रशिंग योर लॉजिकल कैपेबिलिटी, यकीन मानिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।